Hey guys, good morning. Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. तो आज देखो सभी की गुड मॉर्निंग हो गई है. आज ये सुबह उठा हुआ है 4:45 बजे से. बताओ जैसे लग रहा है कि दीदी के लिए लंच बॉक्स रेडी करना था राघव को और यहाँ पर सीधी रेडी होकर के बैठी है. और अभी ड्राइवर अंकल नहीं आए हैं. मेरी भी नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ सब कुछ हो गया. आज बहुत ही टाइमली मेरा सब हो रहा है. अब इसमें शायद राघव को थैंक यू बोलना पड़ेगा क्योंकि राघव अगर सोता रहता है ना तो सारा काम मुझे धीमे धीमे करना पड़ता है. फिर हम सोचते हैं कि लाइट ऑन करके क्या ही झाड़ू लगाए, उठ जाएगा अभी. बट आज उठा हुआ था ना तो सारे काम मैंने टाइमली खत्म कर दिए अपने. तो आज हम पहली बार अपने गिम्बल का यूज़ करने जा रहे हैं और देखते हैं कि हम इसको अच्छे से सेटअप कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हस्बैंड ने तो पूरे इसके प्रोसेस क्या क्या है सब सिखा करके गए हैं. बट अभी देखते हैं. राघव मुझे मोटिवेट कर रहा है कि हाँ मम्मा होगा. मम्मा भी राघव भी करेगा और मम्मा भी करेगी. तो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर हम बैठ तो गए थे बहुत तैयारियों के साथ, सब कुछ सेटअप करके और गिम्बल को लेकर के. बट क्या हुआ, बहुत टाइम लगा मुझे उसको सेटअप करने पे. मुझसे सेटअप हो ही नहीं रहा था. पता नहीं कैसे फ़ोन में मतलब कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था और वो प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहा था. और तो मैंने क्या सोचा ना कि बहुत टाइम इसमें लग गया और अब इसको छोड़ देते हैं. अब हस्बैंड आएंगे तो फिर उन्हीं से फिर से सीखेंगे. एक्चुअली वो सिखा करके गए थे बट उस टाइम जब वो सिखा रहे थे ना तो मैंने ऐसा फॉर ग्रांटेड ले लिया था. मुझे अब फील हो रहा है. मैंने सोचा कि सिंपल ही तो लग रहा है देखने में उसको सेटअप करना, बट मुझे क्या पता था कि हाँ थोड़ा सा इसको मुश्किल होगा सेटअप करना. तो फिर मैंने छोड़ दिया कि गिम्बल को सेटअप करना. और उसके बाद मैंने जो है सोचा कि थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर लेते हैं. और जिस वजह से हम बैठ गए थे मेरे देखो बाल कितने ज़्यादा अचानक से वाइट हो गए. और फिर अब मैंने सोचा कि गिम्बल वगैरह से छोड़ो, अपने जो मेरा परमानेंट का ट्राईपॉड है ना बस उसी का यूज़ कर लेते हैं. तो मैंने उसे फिर से पैक करके रख दिया कवर्ड में और फिर से निकाल लिया अपना वही पुराना ट्राईपॉड. मेरा पुराना ट्राईपॉड भी बहुत ही अच्छा है मेरे लिए. तो बस अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए कभी कभी. तो बस मैंने उसको सब पैक वैक कर दिया और राघव को भी समझा दिया कि बेटा नहीं हो पाया मम्मा से, पापा आएंगे तो वो सिखाएंगे. तो उसके बाद रेडी वेडी हो गए और सिद्धि तो स्कूल ही जा चुकी थी. और आजकल हम लोग का ब्रेकफास्ट ना सिद्धि जैसे जाती है और उसी टाइम पे हो जाता है, क्या ही करें अकेले ही है ना. तो अब मेरा आ गया था एक पार्सल तो मुझसे बाल जो मैंने हेयर स्टाइल बनाई थी ना वो मुझे कुछ ज़्यादा जची नहीं. तो मैंने अपने बालों को खोल लिया और ये देखो मैंने एक अमेजोन से एक कुर्ती ऑर्डर की हुई थी और जो कि वो आ गई मुझे अर्ली मॉर्निंग ही आई. और लिटरली कुर्ती बता रहे ना खोलने के बाद पैकेट मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी ना, बहुत ही ज़्यादा. और सबसे अच्छी बात थी ना कि ऑनलाइन आप कपड़े ऑर्डर करो ना सबसे बड़ा डर तो ये रहता है कि मतलब कपड़े का फैब्रिक कैसा आएगा. तो लेकिन इसका कपड़े का ना फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. मैंने पहन के भी इसको ट्राई किया, मतलब ऐसा नहीं था कि कहीं से चुभ रहा है या क्या हो रहा है या कपड़ा मतलब आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा है. क्योंकि कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि पहनने के बाद ऐसा लगता है कि इरिटेशन हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही सॉफ्ट था. और ये नायरा कट मैंने ऑर्डर किया था, बहुत बार मैंने देखा था नायरा कट बट लिया नहीं था. तो मैंने फिर फाइनली सोचा कि लॉल ले ही लेती हूँ. और शाम के टाइम पे फिर सिद्धि जो है अपना होमवर्क कर रही थी और सिद्धि को देखो कानों में क्या ही पहनी है, बना करके खुद से पहनी है. और हम सिद्धि को पढ़ा रहे थे और साथ में राघव की पढ़ाई चल रही थी कि कैसे ड्राइविंग करते हैं. तो उसी स्टडी टेबल पे राघव भी अपनी कार ड्राइव कर रहा है और सिद्धि पढ़ रही है. एक्चुअली सिद्धि के स्कूल में ना हर 2 महीने के बाद पेपर होते हैं. तो बस अब दिसंबर में फिर पेपर होंगे और जिसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है पहले से, क्योंकि डे बाय डे अगर पढ़े रहो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है और एक साथ नहीं हो पाता. मुझे जाकर के अमेजोन से पार्सल रिसीव हुआ और हम लोग कर रहे थे डिनर छोड़ करके मुझे आकर के पार्सल रिसीव करना पड़ा. एक बार फिर से करेंगे हैंड वॉश क्योंकि मैंने टच कर लिया है पार्सल. और ये सब कोई अच्छी चीज छोड़ो ना, मतलब पैकेट्स वो ऐसे वैसे कहीं पर भी रख देते हैं तो इसे जरूरी है ना पहले अच्छे से हैंड वॉश करो और फिर हम लोग खाना शुरू करेंगे. मतलब हम लोग नहीं, सिर्फ हम और सिद्धि को. तो सिद्धि तो अपने हाथ से खा रही है तो सिद्धि का अपना डिनर चल रहा है और हम और राघव, मेरा भी खत्म हो चुका है, बस मुझे राघव को खिलाना था. सिद्धि जो है खा रही है, यहाँ पर राघव है और यहाँ पर चल रही है टीवी. अभी आप बोलोगे कि वो बेड पे बैठ कर रियलाइज़ किया, बट मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं,
एक दो दिन बाद से ना नीचे खाते हैं, पर वो एक दो दिन बाद हो ही नहीं पा रहा है। आ गया है इन वाटर बॉटल्स को फिल करने का, कंप्लीट हो गया है। और डिनर कंप्लीट होने के साथ साथ मैंने एकदम किचन की क्लीनिंग भी करी, स्लेप और यहाँ पर बर्तन धुल के लगा दिए हैं, पूरा सब कुछ क्लीन है, उधर सिंक भी खाली है। और अब हम इन सारी बॉटल्स को ओपसी सब गिर रही है और देखो इन सबको फिल करना है। और मैंने ना रोज का मेरा काम है कि मैं इस फर्श को भी धुल देती हूँ, क्योंकि ये जिनका भी घर था आए वो जो है ना, ये हम लोग जब से आए हैं तब से फर्श का ना ये यहाँ का ऐसा कालापन दूर हो ही नहीं रहा है। तो मैं अब क्या करती हूँ, डेली जो है इस पे पानी डाल करके अच्छे से वाइप कर देती हूँ ना, फिर भी नहीं जा रहा। स्टार्टिंग में जब शिफ्ट हुए थे ना तो फिनाइल और क्या क्या डाल करके हार्पिक वगैरह से भी मैंने क्लीन किया, बट पता नहीं क्या है यहाँ की फर्श में कि ये क्लीन नहीं होती है। तो बस आज के ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए होना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। बाय।